बनाने क्या लगे हो? हलवा। अच्छा जी, ये क्या डाल रहे हो? लाचियां शुभू के लिए। हल देगा ना शुभू, बहुत ज्यादा मजे की आएगी। ये अब मैं सूजी डालने लगी। मामा जान का वैसे भी माशाल्लाह ना हलवा हलवा बहुत जो नहीं टेस्टी होता है, तो रेसिपी मामा जान की बड़ी अच्छी है। तो मामा जान आज आपसे शेयर कर रहे हैं नियाज की जो हलवा बनाने लगे हैं, तो बाब वजू होके पाक साफ बर्तन करके अच्छे तरीके से मामा जान बनाने लगे हैं माशाल्लाह। हला रही हूँ इसलिए नीचे ना लग जाए। जी ये क्या है? ये मैंने किशमिश, ये वाली जी, ये बादाम जी, पिस्ता तो काजू ये फ्रूट भी इसके अंदर डाली है। तो साथ ये चीनी डाली। हाँ जी, ये देखो अब सूजी हो गई है, फ्राई हो गई है, ये मैं नीचे उतारने लगी हूँ पानी के अंदर। ये इसे शीरा बन जाएगा। हाँ जी, ये देखो ये चास के लिए हलाते हैं ना। A few moments later, लंगर के लिए नान वगैरह मैं ले आया हूँ जाके तंदूर से। तो अब जो नहीं लंगर को हम पैक करेंगे। ये हलवा भी बन गया, तो ये जो मामा जान ने नियाज बनाई है हलवा और ये नान जो नहीं पैक करके मैं और मेरी भांजी आए हैं, बच्चे हैं, हलवा पप्पो के बेटे हैं और सिस्टर के, तो ये हम लंगर वगैरह पैक करके तो लेके जाएंगे साथ। A few moments later, मैं और मामा जान जो तैयार हो गई, अब हम सब और हम मजलिस के लिए जाने लगे हैं। तो उस इमाम को पुरसा देने जाने लगे हैं जिसे 14 साल कैद में रखा गया है, और 14 साल कैद में रखने के बाद उसे जहर दे दिया गया है। सो उसका कसूर ये था कि औलाद अली था, औलाद अली और बतूल था। तो हम मजलिस पे बस पहुँच चुके हैं, मजलिस के अंदर यानी हम आ गए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी पीछे रश है हमारे, तो ये उन्होंने पूरा बगदाद का सीन बनाया हुआ है, मंसर के शिक्री है, बगदाद का पुल बनाया है। तो लोगों का हजूम देखें, लोगों का समुंदर देखें, जो औलाद अली को पुरसा देने आए हैं, तो उन्होंने औलाद अली को इधर पुरसा दिया, इधर हम भी साजादारी करेंगे, साथ बीबी के बेटे को पुरसा देंगे, उस बीबी के बेटे को जिसका खून जिसका गोश्त कैद आने की जंजीरें खा गई हैं, कैद था उनको जंजीरें खा गई, उस बाप का गोश्त कसूर इतना था कि वो औलाद अली थे, उन्हें रसूल थे। इधर हमने आज़ादारी की है, तो आज़ादारी करने के बाद हम आपको इधर जो सारा वो दिखाएंगे, मंसर भी जो तबूत है उनका, और साथ जो हम नजर नियाज है जो है वो तकसीम करेंगे। रश बहुत ज़्यादा है तो मुश्किल हो जाएगा इधर ना, काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों के अंदर, ताकि लोग 100 हज़ारों के हिसाब से लोग पुरसा देने आते हैं इमाम को। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो जुलूस है ना इधर सियालकोट में, ये उसका जनी बरामदी की जाती है इमाम मूसा कज़ब की शहादत के हवाले से। तो इधर जो है बहुत रश होता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो मैं और मामा जान जो इधर लंगर तकसीम कर रहे हैं, मजलूम कर्बला, मजलूम
कैद खाना इमाम मूसा कज़म अलैहिस्सलाम के लिए आज जो हमने गाड़ बनाई थी वो तकसीम गाड़ियों और रश इस कदर ज़्यादा कि इस रश में जो तबरक देना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि साहब को जो प्रॉपर किस्म तरीके से जो लंगर न्याज दी जाए, तो अल्लाह ताला हमारा ये लंगर न्याज अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक हमारी तफीकत और साहब की तफीकत हैर में इजाफा फरमाए। आमीन लाहे आमीन। ये जो मौला अलैहिस्सलाम की छवि बनाई जाती है जुलजना, तो ये हम जुलजना से ज़्यादा बना रहे हैं और फरहान भाई हम दोनों आए हुए हैं, तो हम जुलजना के साथ जो नहीं अपने अपना कोशिश करें कि आपको वीडियो दिखा सकें तो बना कर, तो ये अल्लाह पाक की छवि बनाई जाती है जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने है अपने बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दी थी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने गाज़ी बासलम अलैहिस्सलाम को दी, और ये बाबुल हवाइज इमाम मूसा कज़म अलैहिस्सलाम का तबूत बनाया गया, उनका जो नहीं उस नस्बत से तबूत बनाया गया कि जो नहीं जिसकी बरामदगी होनी है, तब तबूत जब माशाल्लाह मुकम्मल हो गया तैयार हो गया है तो इमाम बरगा में तब इसका हम बाहर बरामदगी करवाएंगे। इसके साथ ही अब हम इधर से निकलेंगे, तो काफ़ी टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा रश हो जाना वापस जाने में फिर 2-3 घंटे लग गए थे, ट्रैफिक किस कदर होती है, तो हमने सोचा कि जाने से पहले अपने जो व्यूवर्स अपनी फैमिली को ज़्यारत करवा दें, तो अब हम जो वापस घर आ रहे हैं उधर एक रेस्टोरेंट रुके चाय पी लें ताकि काफ़ी थकन हो गई है, तो चाय पीने के बाद हम घर के लिए निकलते हैं अपना हयार की कि आज का ब्लॉग हम यहाँ वाइंड अप करते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान, अस्सलामुअलैकुम।